हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद से दोस्त अच्छे होंगे। अपनी बाइक का रीपेंटिंग का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम अपनी जो बाइक की अच्छी तरीके से वॉशिंग करा रहे हैं, जो मिट्टी धूल मिट्टी है उसको साफ करा रहे हैं। वॉशिंग कराने के बाद दोस्तों हम जो अपनी बाइक के जो पार्ट्स है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। मडगार्ड, चैन कवर वगैरह जो है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वो जो हमें मतलब रीपेंट करना है उसको अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके हम रीपेंट करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, अपनी जो एच एफ डी लक्स से हमने बिल्कुल सब उसके जो पार्ट्स वो निकाल दिया है। सीट कवर वगैरह हुए या पिछला जो मडगार्ड है वो भी निकाल दिया है, और जो टेल लाइट है वो भी निकाल दी है हमने, और बैटरी जहाँ लगती है जिनको हमें साइड के कवर बोलते हैं वो भी हमने निकाल दिए दोस्तों। और अब जो है अपना जो ये जिस पे वो होता ना टूल बॉक्स होता है उसका जो था कलर वो फेड हो गया था, उस पे जो है हम मैट ब्लैक करने वाले हैं, और बाकी जो पार्ट है उस पे हम ग्लॉस जो है वो ब्लैक करने वाले हैं। अगर घर पे आप कोई ऐसा काम करो तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। जैसा कि आप देख पा रहे होगे अपनी जो बाइक है उसमें आप रस्टिंग देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये रस्टिंग मेरी बाइक के अंदर या आपकी बाइक में भी इतनी रस्टिंग है तो इसकी जो लाइफ है ये 3 से 3.5 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये किसी भी टाइम टूट सकता है, और इसलिए मैंने इसको जो है ये रीपेंट करना अच्छा समझा। देखो आप रस्टिंग देख सकते हो, इसको हम चिमटा बोलते हैं, जिस पे जो पिछला टायर है ना वो अटैच रहता है, और आगे की कंडीशन देख सकते हो, धीरे धीरे हल्की हल्की सी रस्टिंग बाइक ने पकड़नी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसको रोकना बहुत जल्दी था। क्योंकि अगर इसको हम नहीं रोकते तो 2 से 3 साल के अंदर जो बाइक है वो हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती, बिल्कुल ख़राब हो जाती। देखो धीरे 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 मेटल ने रस्टिंग पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसको हम अच्छी तरीके से अब रब करने वाले हैं, इस जंग को उतारेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे दोस्तों। बिल्कुल जंग है ना, इसको बिल्कुल निकालेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको हम पेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसको हम 320 नंबर का जो रेगमाल होता है उससे हम इसके जो पार्ट है, जो इसका पेंट है, इसको थोड़ा सा हम रब करेंगे, क्योंकि नया पेंट अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे वो जो अच्छी तरीके से पकड़ कर ले। 320 नंबर का ये रेगमाल रहने वाला है, इसको हम जहाँ जहाँ पे हमने पेंट करना है एक बार उसको अच्छी तरीके से हम रब कर लेंगे, जिससे जो सरफेस है वो थोड़ा खुरदरा हो जाए और जो नया पेंट है उसकी जो पकड़ है अच्छी तरीके से बन जाए। जहाँ पे भी हमें पेंट करना है एक बार इसका कोट हम मतलब एक बार इसको रेगमाल से हम उस सरफेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, इस पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप इसको रेगमाल